हेलो फ्रेंड्स, मैं नील सोनी। आज आपको सिखाऊंगा कि विंडोज 10 में क्विक टूल बार कैसे इनेबल करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले टास्क बार में राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद टूल बार के नाम के ऑप्शन में न्यू टूल बार पे क्लिक कीजिए। न्यू टूल बार पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी लोकल डिस्क हो या तो कोई भी फोल्डर हो उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर HN टेक्ना का फोल्डर सिलेक्ट करता हूँ, तो उसमें क्लिक करके सिलेक्ट फोल्डर में क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि HN टेक्ना का फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। उसे ओपन करने के लिए राइट क्लिक करके ओपन फोल्डर में जाइए। तो आप देख सकते हैं कि HN टेक्ना का फोल्डर ओपन हो चुका है। इस ट्रिक की मदद से आप कोई भी फोल्डर हो उसे बार बार ओपन करना हो तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको यहाँ से इस फोल्डर को हटाना हो तो टास्क बार में राइट क्लिक करके टूल बार में जाके आपको जो भी फोल्डर को हटाना हो उसे यहाँ से अनचेक कर सकते हैं। मेरे फोल्डर का नाम है HN टेक, जो मुझे अभी यहाँ से हटाना है, तो मैं उसे यहाँ से अनचेक करके आसानी से हटा सकता हूँ। ऐसी ही अमेजिंग टेक अपडेट्स एंड ट्रिक्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू।